चलता है, 7 मिनट में 15 फीट ऊपर चला है, 7 मिनट में 15 फीट ऊपर चढ़ता है, और फिर अगले दो मिनट में वह 3 फीट नीचे फिसल जाता है, और फिर अगले दो मिनट में वह तीन फिट नीचे फिसल जाता है। तो बताइए कि इस प्रकार से वह 480 फिट ऊंचे खंभे 480 फीट ऊंचे खंभे खंभे के शीर्ष से 480 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष से, शीर्ष मतलब होता है टॉप, मतलब पीक्स, टॉप से 480 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष से तीन चौथाई दूरी पर स्थित बिंदु, तीन चौथाई दूरी पर स्थित बिंदु से 15 फीट ऊपर लगे हुए निशान से 15 फीट ऊपर लगे हुए निशान आप लिख रहे हैं 15 फीट ऊपर लगे हुए निशान को कितनी देर में छू लेगा, निशान को कितनी देर में छू लेगा बेटा लिख पाए कितनी देर में छू लेगा। अगला सवाल, किसी टोकरी में रखे हुए फूल, किसी टोकरी में रखे हुए फूल हर तीन मिनट में अपने चारगुने हो जाते हैं। बेटा आप लीजिए बच्चों, हर 3 मिनट में अपने चारगुने हो जाते हैं, यदि यह टोकरी पूरी तरह से फूलों से 42 मिनट में भर जाती हो, 42 मिनट में भर जाती हो, तो बताइए कि कितने समय में इस टोकरी का बेटा सामने देखिए, लिखो 1/256 भाग, सामने देखकर लिखो 1/256, 1/256 भाग भरेगा। अगला सवाल लिखो
अगला लिखो बेटा, लिखिए बोले लिखिएगा, एक पासे की विभिन्न छह सतहों पर, एक पासे की विभिन्न छह सतहों पर, एक पासे की विभिन्न छह सतहों पर, छह सतहों पर, बेटा सामने कर लिखिएगा, विभिन्न छह सतहों पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्याएं लिखी, संख्याएं लिखी तथा इस पासे में, तथा इस पासे में संख्या 2 के विपरीत फलक पर, तथा इस पासे में संख्या 2 के विपरीत फलक पर, बेटा विपरीत फलक मतलब होता है ऑपोजिट सरफेस, संख्या 2 के विपरीत फलक पर, संख्या 2 के विपरीत फलक पर संख्या 8 लिखी है, संख्या 2 के विपरीत फलक पर संख्या 8 लिखी है, संख्या 8 लिखी है, संख्या 8 लिखी है, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि इस पासे के दिए गए, तो बताइए कि इस पासे के दिए गए, तो बताइए कि इस पासे के दिए गए दो चित्रों के आधार पर, तो बताइए कि इस पासे के दिए गए दो चित्रों के आधार पर, तो बताइए कि इस पासे के दिए गए दो चित्रों के आधार पर संख्या 12, संख्या 12, 12 की विपरीत सतह पर, संख्या 12 की विपरीत सतह पर, संख्या 12 की विपरीत सतह पर क्या संख्या आएगी, क्या संख्या आएगी? बेटा अब दो चित्र बना लीजिए, सामने आपको दो चित्र दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल लिखिए सर, अगला लिखिए, एक ट्रेन में, एक ट्रेन में सेना के 1500 जवान, एक ट्रेन में सेना के 1500 जवान, एक ट्रेन में सेना के 1500 जवान यात्रा कर रहे हैं, एक ट्रेन में सेना के 1500 जवान यात्रा कर रहे हैं, कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और इनमें से, और इनमें से प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक, प्रत्येक 5 सिपाहियों के ऊपर, इनमें से प्रत्येक 5 सिपाहियों के ऊपर, 5 सिपाहियों के ऊपर एक कैप्टन,
कैप्टन, एक कैप्टन को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि सुनो ऐसे मत देखना, प्रत्येक 5 सिपाहियों के ऊपर एक कैप्टन है, ऐसे एक कैप्टन है। तो बताइए कि ट्रेन में कितने कैप्टन सफर कर रहे हैं, बेटा लिख पाए, ट्रेन में कितने कैप्टन सफर कर रहे हैं। अगला सवाल लिखो बेटा, कितने हो गए, 3 की 4, चार, पांचवा लिखो, पांचवा, किसी कूट पैटर्न के अनुसार, या किसी कूट, हाँ ऐसे लिखो, किसी कूट पैटर्न के अनुसार, किसी कूट पैटर्न, पैटर्न लिख लोगे, किसी कूट पैटर्न के अनुसार, के अनुसार, किसी कूट पैटर्न के अनुसार उत्तर दिशा को, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को, उत्तर दिशा को बेटा जी बना, एन को, एन मतलब होता है नॉर्थ, समझ रहे, चार दिशाएं कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ को इससे दिखाया जाता है, लिखो ये निशान बनाओ और लिख लो से दिखाया जाता है, ऐसे से दिखाया जाता है। इसके नीचे अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो बेटा, अगली लाइन में लिखो साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को ध्यान से देखना, अपने तिरछी लाइन कहां बना रहा है, ये मतलब एरो कहां बना रहा है, तीन दिशा, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, से दिखाया जाता है। देख पाए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को से दिखाया जाता है, यहां पर दो निशान है, से दिखाया जाता है। तो बताइए कि इसी के अनुसार, 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 इसी के अनुसार, इसी के अनुसार नॉर्थ ईस्ट को कैसे दिखाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को कैसे दिखाया जाएगा। भैया क्या कुछ कोशिश करेंगे, चलिए जल्दी से प्रयास करिए, फिर हम बता देते हैं सारे सवाल, पहले आप कोशिश कर लीजिए अपने हिसाब से, फिर हम बता देते हैं।
पांचों हाँ भाई पांचों हो गए कितने एक भी नहीं गलत बात बहुत गलत बात ऐसा नहीं ये सवाल जो है ना ये आप लोगों के एग्जाम आप देखिएगा उन्हीं से रिलेवेंट बोले हैं हम बात समझ रहे हैं रिलेवेंट क्वेश्चन हो और ये सवाल ऐसे होते हैं जिनमें संभवतः आपसे गलती होती है तो अगर आप एक भी सवाल नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे तो गलत बात है ना क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बेसिक हो गए भैया तो चलो कोई शुरू करते हैं तो एक काम करते हैं ये जो पासे वाला इसको पहले खत्म कर लेते हैं सामने बना हुआ है तो इसको पहले फल कर देते हैं ध्यान देना बेटा ये जो पासे वाला सवाल है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं आइए देखिए कैसे वर्क करिएगा हमको इस पासे को खोलना है तभी हम आंसर बता पाएंगे तो पासे को खोलने का तरीका होता है अब नियम ये होता है हमेशा पासे को खोलने के लिए कि जो दोनों में कॉमन हो वो बीच में लिखो सर लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ठीक है ये 2020-21 की बात है सॉरी 19-20 की बात है एक लोअर सबॉर्डिनेट का पेपर हुआ था लोअर सबॉर्डिनेट पे ये क्वेश्चन आया था ठीक है कुछ भी कॉमन नहीं था अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब सवाल आसान हो गया अब आसान हो गया जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो बीच में जो आपका मन करे कोई भी नंबर लिख दो बोलो क्या लिख दो इनमें से कोई भी नंबर लिखवा दो बीच में बोलो चलो छह लिख दिया चलिए छह लिख दिया ठीक कुछ भी लिख सकते हो कोई भी कर दियो आंसर सबसे सही आएगा भैया समझिएगा पहले नोट मत करिएगा पहले समझिएगा तो बेटा ये देखो कि क्या छह कहीं आपको दिख रहा है ऐसा छह दिख तो रहा है तो अब इसमें छह दिख रहा है आपको पहले वाले में तो हमने क्या किया छह पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त दिशा में घूम गए जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में यहां पर भी आपको बेटा दक्षिणावर्त ही घूमना है क्लॉकवाइज हमेशा क्रम क्या होता है वो सुनो इस खाने के बाद ये वाला खाना फिर ये ऐसे दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन दक्षिणावर्त दिशा ठीक है तो चलिए छह के बाद अगले नंबर किसका चार नंबर है चार के बाद बोलो क्या इतनी बात समझ में छह के बाद चार अब अपनी कॉपी में पढ़ के बताओ इस सवाल को देखो क्या आपने क्या किसी का विपरीत बताया है आपको भैया पढ़िए दो का आठ सर दो का विपरीत आठ बताया हमेशा ध्यान रखना जो विपरीत होते हैं वो कहां पे होते हैं मैं समझा देता हूं आपको क्यों जैसे एक पासे का खुला हुआ चित्र आपके सामने में बना रहा देखो बेटा यहां लिखा पी यहां क्यू यहां आर यहां ए यहां बी यहां सी जैसे बोला गया पी का विपरीत तो बेटा जिसका भी विपरीत पूछे जैसे पी का पूछ रहे आर शाबाश तो पी का पूछेंगे तो आप उसके बाद वाला खाना छोड़ देना और अगला बता देना अल्टरनेट एकांतर बताना मतलब एक छोड़ के बताना तो पी का विपरीत आर का पी क्यू का पी बी का ए का सी का ए नहीं समझ में आया तो अब अगर बोला गया कि दो का विपरीत आठ है तो अब आप समझ सकते हो कि दो अगर यहाँ है तो क्या आठ यहाँ लिखना ठीक रहेगा अभी तो बेटा दो का विपरीत होगा अब आप आ जाइए इस दूसरे वाले चित्र में अब इसकी बारी आ गई अब इसको भी वहां भरना है तो अब ये देखकर बताओ क्या यहाँ पर जो तीन नंबर हैं इन तीनों नंबरों में से क्या कोई भी नंबर वहां लिख चुके हो कौन सा नंबर लिख चुके आठ तो जो वो आठ है भाई ये आठ है तो इस आठ कॉमन है ना आठ पर पेन रखा और घूम गए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त ध्यान रखना हमेशा आपको घड़ी के अनुसार ही घूमना है क्लॉकवाइज ही घूमना है बेटा तो आठ पर पेन रखा घड़ी के अनुसार घूमे क्लॉकवाइज आठ के बाद बारह बारह के बाद दस अब इसमें भी कुछ ऐसा रास्ता बनाओ कि आठ के बाद बारह आ जाए और बारह के बाद दस आ जाए और शर्त यह है कि आपको घूमना क्लॉकवाइज है बेटा शर्त यह है कि आपको दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के अनुसार ही घूमना है आओ कुछ सिस्टम सोचते हैं आठ के बाद बारह बारह के बाद दस तो बेटा हम आपको एक अधिकार बताना चाहते हैं आपके पास एक अधिकार होता है आप उसका इस्तेमाल किया करो अधिकार ये होता है कि जो ये नीचे वाला खाना था ये आप जब चाहे जितना चाहे आगे पीछे खिसका सकते हो शिफ्ट कर सकते हो जब चाहे चाहो तो इसको खिसका के इधर कर लो कहीं भी ऐसे जो ऊपर वाला ये खाना है इसको भी आप जब चाहे आगे पीछे जितना चाहे खिसका सकते हैं शिफ्ट कर सकते हैं ये अधिकार है आपका इसका आप इस्तेमाल किया करो भरपूर इस्तेमाल किया करो अब हमने क्या किया जो ये नीचे वाला खाना था ना इधर लगा हुआ था उसको खिसका के इधर ले आया
अब हमने 8 पर पैर रखा और ऐसे घड़ी की दिशा में घूम गया, तो बेटा 8 के बाद फिर ये खाना, फिर ये खाना। पहले तो मुझे ये देखकर बताओ क्या हम दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घूमे हैं कि नहीं घूमे, और यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमे। तो बेटा इस खाने के बाद अगला नंबर इस खाने का आएगा, फिर इसका आएगा, तो 8 के बाद तो अगला कौन है? 12। 12 के बाद बोले बेटा 10। क्या बात, थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ी भाई, क्लॉकवाइज ही तो घूमे बेटा। चलो आप बताओ 10 का विपरीत क्या आया? 6। बेटा 8 का विपरीत 2। 12 का, ये 12 अगर वापस यहां पहुंच जाएगा तो 12 का क्या हो जाएगा? 4। इसका किसका सही है? सही है, अरे शाबाश, बहुत सही है, अरे बहुत बढ़िया। चलो पहला हो गया मतलब डाइस वाला। अब बेटा एक काम करते हैं, डायरेक्शन वाला, ये डायरेक्शन दिशा वाला, इसको भी खत्म कर लेते हैं। पहला वाला एक मिनट जरा, है ना बेटा, ये डायरेक्शन वाला हटा दे जल्दी से, इसको हटा दे, है ना, इसको डायग्राम बना, इसको कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी। तो ये पासे वाले नोट हो गया, नोट कर लीजिएगा आराम से, इतनी जगह हटा देते हैं, ये आपके कॉपी में ऑलरेडी नोट है, इसको हटा देते हैं। पहले हम जल्दी से 8 दिशाएं बना देते हैं आपके सामने बेटा। बेटा हमेशा जो ऊपर होती है वो उत्तर दिशा होती है, जो नीचे होती है वो दक्षिण दिशा, साउथ, जो दाहिनी तरफ होती है वो हमेशा पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा, और जो बाईं तरफ होती है वो हमेशा वेस्ट, पश्चिम दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच में अगर कोई दिशा है तो बेटा दक्षिण पूर्व के बीच में साउथ ईस्ट, या कह सकते हो दक्षिण, बेटा दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, या साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं, और बेटा उत्तर पश्चिम के बीच में नॉर्थ वेस्ट, या आप इसको उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। चल कार्यक्रम शुरू करते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा, जरा ध्यान से देखना, इन्होंने सबसे पहले हमसे क्या बोला है, ये कहा है कि उत्तर दिशा को इससे दिखाते हैं। अगर आप गौर करो तो जो उत्तर दिशा होती है वो ऊपर होती है, तो इसके ठीक विपरीत तीर का निशान इन्होंने लगाया है। उत्तर दिशा को बनाना चाहिए ऊपर की तरफ, इन्होंने ध्यान से देखो तीर का निशान कहां लगाया है, नीचे, तो मतलब उत्तर के विपरीत दिशा से दिखाया है। उत्तर दिशा को किससे दिखाया है? विपरीत दिशा से, ऑपोजिट से। उत्तर को होना चाहिए ऊपर, लेकिन इन्होंने उत्तर को, देखो वैसे नियम के अनुसार तो उत्तर को ऐसे दिखाना चाहिए, ऊपर ही तो होती है उत्तर, समझ रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका भी उल्टा दिखाया, दक्षिण से दिखा दिया विपरीत दिशा से, ठीक है। साउथ ईस्ट को, अब ये देखो कि साउथ ईस्ट कहां है, साउथ ईस्ट ही, तो साउथ ईस्ट अगर इधर जा रही है तो इसकी विपरीत दिशा क्या इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक, इसकी ऑपोजिट। चेक करो साउथ ईस्ट को उल्टी दिशा से दिखाते हैं। अब यहां पर नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट को भी उल्टी दिशा से दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो ध्यान देना एक बात नोटिस करो, यहां साउथ ईस्ट के बीच में डैश लगा है, ये लिखी है साउथ ईस्ट दिशा, साउथ ईस्ट बीच वाली दिशा, और ये नॉर्थ वेस्ट मतलब बीच वाला नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा नॉर्थ वेस्ट नहीं है। इस नॉर्थ वेस्ट का मतलब पता है क्या, नॉर्थ और वेस्ट ये दो दिशाएं बोली गई, नॉर्थ बोली गई और वेस्ट दो दिशाएं बोली गई है, और यहां पर क्या बोली, साउथ ईस्ट मतलब बीच वाली दिशा, तो यहां पर नॉर्थ और वेस्ट को अलग अलग बोला गया है, तो दो अलग अलग दिशाएं। तो पहले नॉर्थ को दिखाओ, तो नॉर्थ ऊपर होता है तो आप दिखाओगे कैसे, नीचे, वेस्ट कहां होता है, इधर, वेस्ट इधर होता है तो आप ठीक उल्टी तरफ से दिखाओगे ईस्ट से, तो आप बताओ देखो ये ईस्ट और ये साउथ है कि नहीं, सोच रहे पहले बोल रहे, तो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो यहां डैश लगा है कि नहीं, डैश लगा है, डैश लगा है, तो आप जो नॉर्थ ईस्ट है वो मतलब ये बीच वाली दिशा है, तो अगर ये बीच वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट है तो इसके ठीक विपरीत, तो बेटा आंसर होगा आपका ये वाला है, क्या बात समझ में आई, ठीक है, ये आंसर नोट कर लो इधर के दर्शन। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, आइए बंदर वाला सवाल देखते हैं, आइए बेटा बंदर वाला सवाल देख लेते हैं। अच्छा बंदर वाले में ये बताओ खंभे की हाइट हमने कितनी बताई थी, 480, ठीक, सभी लोग ध्यान से देखना, 480 फीट खंभे की हाइट थी, इस खंभे की हाइट थी 480, ठीक। अब बंदर जो है वो इस खंभे पे चढ़ना चाहता है,
और बंदर की कुछ खूबी भी है, तो पहले चढ़ता है फिर फिसलता है। तो अब ये देखो जरा ध्यान से बेटा, 400 जो है वो कितनी ऊंचाई चढ़ेगा पहले ये बता दो। तो बोला गया कि पूरे खंभे पे नहीं चढ़ता है, इस खंभे के शीर्ष से, शीर्ष तो आप जानते हो खंभे का शीर्ष कहाँ होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, चाहे नीचे से ऊपर तक नापो तब भी 480 होगा, और चाहे ऊपर से नीचे नापो तब भी 480 होगा। तो शीर्ष से 3/4 दूरी, तो बेटा 480 का 3/4 निकालो जरा, 480 का 3/4 कितना आएगा, 360। तो शीर्ष से 3/4 दूरी मान लेते हैं यहां पर, ये बिंदु, और ये बिंदु कितनी दूरी पे है, 360। सही बात, शीर्ष से 3/4 दूरी पर लगे हुए बिंदु से 15 फीट ऊपर एक लगे हुए निशान, ये निशान कितने फीट ऊपर लगा है, 15 फीट ऊपर। तो इस निशान को छूना है, कुल मिला के इस निशान को छूना है। तो अब हम एक बात बताओ, पूरे खंभे की हाइट कितनी थी, 480। तो बेटा अगर 480 में से यहां से लेकर यहां तक का टुकड़ा जो था वो 360 का था, तो अगर 360 था तो बच्चा 480 में 360 बचा, नीचे का टुकड़ा कितना बचा, 120। तो आपको बताया वास्तव में सवाल क्या निकल कर आया, सवाल ये निकल कर आया कि जो बंदर महोदय है ना, उनको पता है कितने फीट की हाइट छूनी है, 120 ये बंदर है। तो बंदर महोदय को 135 फीट की हाइट छूनी है, बस ये सवाल, केवल इतना सा सवाल है। तो सवाल जो आपको एक्चुअल में है वो ये है कि इस बंदर को कितने फीट पे निशान लगा हुआ है, 135 फीट पे, बेटा 135 ही फीट तो है, 135 फीट पे निशान लगा है, बस इस निशान को छूना है। अब बंदर इस खंभे में ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो बंदर की पलटी क्या लगाई, बंदर चढ़ता है, तो चढ़ेगा तो हमेशा नीचे से ही चढ़ेगा, क्योंकि अगर उतरता होता तो ऊपर से आता, सही बात है। तो चलिए बंदर चढ़ता है, तो इस तरह के सवालों में आपको लगाने का तरीका आपको एक ब्रह्मास्त्र बताते हैं, बढ़िया, हमेशा काम आएगा, कभी फेल नहीं हो सकता। कभी भी इस तरह के सवालों में बंदर एक झटके में, एक स्लॉट में, एक बार में, बिना फिसले, एक झटके में जितना चढ़ता उतना टुकड़ा हमेशा ऊपर से काट के अलग कर दिया, जहां तक जाना होता है वहां से उतना टुकड़ा काट के अलग कर दिया। तो आप गौर करना, सवाल में हमने बोला है कि एक झटके में 15 चढ़ता है, हालांकि उसके बाद में फिसल भी जाता है, उससे मतलब नहीं, एक बार में चढ़ता कितना है झटके में, 15। तो आप 15 फीट का टुकड़ा ऊपर से काट के अलग कर दिया बेटा, 15 फीट का टुकड़ा अलग कर दिया। अब एक बात बताओ, 135 में से अगर ऊपर से 15 फीट हटा दिया तो नीचे बचा कितना, 120। अब पता है क्या करना है, सवाल हो गया, देखना कैसे, ये जो 120 फीट की दूरी है इसको आप चढ़ते फिसलते, चढ़ते फिसलते निपटाओगे। अब चढ़ते फिसलते कैसे निपटाएंगे, चलो बताओ 7 मिनट में कितना चढ़ता था, 15 फीट। फिर अगले 2 मिनट में, तो अगले 2 मिनट का मतलब बेटा ध्यान देना, अगले दो मिनट का मतलब कि 2 मिनट और बढ़ जाएंगे, 2 मिनट और बढ़ जाएंगे। जब 2 मिनट और बढ़े तो भाई साहब ऊपर नहीं चढ़े हैं बल्कि फिसल गए हैं, कितना फिसल गए, 3 फीट नीचे फिसल गए। इसका मतलब कि मिनट जब 9 हो चुके हैं, जब 9 मिनट हो चुके हैं तो भाई साहब 15 से कम पे आ गए, तो 3 फीट फिसल गए, तो कितने पे आके रुके, 12 फीट। इसका मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बता दे भैया, फिर से बता दे, क्लियर हो गया, 7 मिनट में कितना चढ़े थे, 15। फिर अगले 2 मिनट में, तो मिनट टोटल कितने हो गए, 9, और अगले 2 मिनट में वो ऊपर नहीं गए बल्कि फिसल गए, कितने फिट, 3 फिट। तो बेटा अगर देखोगे तो 9 मिनट में कितने पे आके रुके, 12 फिट पे रुके। तो बस कहानी बन चुकी है, देखना 12 फिट चढ़ने में इनको समय लग रहा था कितने मिनट, 9 मिनट। तो फिर 1 फिट चढ़ने में समय लगता होगा 9/12 मिनट। तो इस प्रकार से आप 120 फिट तक लेके जाओगे, कितने फिट, 120 फीट जाने में समय लगेगा 9/12 × 120 मिनट, बेटा कितना है, 90 मिनट। तो 90 मिनट में भाई साहब पता है कहां पहुंचे हैं, अभी यहां पहुंचे हैं, अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, अभी यहां पहुंचे हैं। और पता है कैसे पहुंचे थे, पहले चढ़ते थे 15 फिर 3 फिसल जाते थे, फिर 15 फिर चढ़ते थे फिर 3 फिसल जाते थे, फिर 15 फिर चढ़ते थे 3 फिसलते थे, ऐसे ही तो पहुंचे हो, ऐसे ही चढ़ते फिसलते पहुंचे होंगे। अब ध्यान से देखो यहां पहुंच गए 90 मिनट में, अब फिर 15 चढ़ेंगे और
और जैसे ही 15 चढ़ेंगे तो इस निशान को छू लेंगे कि नहीं छू लेंगे। पर ये सवाल भी यही मांगा गया कि कितनी देर में निशान को छू लेगा। तो आप बताइए, अगर देखा जाए 7 मिनट और लेंगे और इस निशान को छू लेंगे, अब उसके बाद अगले 2 मिनट तो फिसलते रहे, क्या दिक्कत है? फिसलते रहे, हमें क्या टेंशन है? फिसले, हम कहते हैं पूरा फिसल जाए, हमें क्या फर्क पड़ता? कुल मिलाकर सवाल में तो यही कहा था कि इस दिशा को छू ले। तो आप बताओ 7 मिनट में एकदम से 15 मिनट चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? 7 मिनट में और इस दिशा को छू लेगा तो फाइनल आंसर जो आएगा इस दिशा को छूने में, दैट इज 97 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर, 97 मिनट में इस दिशा को छू लेगी। किसका सही आया था पहली बार? तो हाथ क्यों उठाए? अभी ये अधिकार नहीं है, इनइक्वालिटी पढ़ाया था हमने, इनइक्वालिटी हमने बताया होगा, एक क्वेश्चन करवाया होगा कि एक निष्कर्ष था, सुनो, आधा आधा सही था आधा गलत था, और उस निष्कर्ष को हमने क्या कहा था? गलत है ना, गलत बेटा, आ गया 97। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए सर, क्या था इसका आंसर? क्या आया टोपी वाले का? किसी का आया 12 मिनट? नहीं, 28 और 9 और 9 और बताइए कोई? चलिए देखते हैं, गौर करिए, टोकरी वाला सवाल पहले ईमानदारी से लगा के बताएंगे, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे। तो आपका बिल्कुल थोड़ा सा गलत है, आप दे दीजिए, मैच करिएगा, थोड़ा सा ट्राई करना अपना, सही हो जाएगा ना, थोड़ी सी गलती हो रही, क्या कोई बात बेटा। ये बताओ टोकरी पूरी तरह से कितनी देर में भर जाती है? 42 मिनट। तो पूरी टोकरी भरती है 42 मिनट, तो 42 मिनट में भर जाती है पूरी एक टोकरी। तो बेटा उससे 3 मिनट पहले पता है टोकरी कितनी भरी होगी? आपको मालूम है 1/4 भाग कितनी भरी होगी? ये कैसे लिख दिया हमने 1/4? टोकरी की खूबी थी फूलों की, क्या टोकरी सॉरी खूबी क्या थी? हर 3 मिनट में 4 गुने हो जाते हैं। तो अगर यहां पर 1/4 भाग रही होगी तभी तो 3 मिनट बाद इसका 4 गुना होगा, और इसका 4 गुना, 1/4 का 4 गुना पता है कितना होगा? 1। सही बात है। और इसके 3 मिनट पहले इसका 1/4, तो 1/4 में 1/4 का गुणा कर दो, तो 4 × 16, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 1/16 भाग। और इसके 3 मिनट पहले इसका 1/4, 1/64 भाग। और इसके 3 मिनट पहले 1/64 में 4 का भाग दो, 256 भाग। चेक करो सवाल में यही मांगा था कि 1/256 भाग कितनी देर में भरेगा, आंसर कितना आएगा? 30 मिनट। ये था ईमानदारी का रास्ता, आइए बेईमानी का रास्ता सिखाते हैं। पूरी टोकरी कितने समय में बोली गई है? बोलते नहीं हो तुम लोग, हैं 40 मिनट में बेटा, है ना? इसको हमने कहीं लिख लिया कोई। अब जरा टोकरी का जादू बताओ, जादू क्या था? जादू यह था कि हर 3 मिनट में 4 गुना, यही होता बेटा। बाद में हमने आपसे कितना गुना मांगा है? 1/256, बोलो 1/256 है ना, उसको आप 1 को ऊपर से हटा दिया करो, 1/256 को आप हमेशा 256, मतलब जितना भी आपको दिया जाए, ध्यान से सुनना बेटा, न्यूमरेटर जो अंश होता है उसको हटा दिया करो। जैसे 1/256 बोला है तो उसका भिन्न हटा दिया करो, ऊपर से 1 जो भी दिया जाए हमेशा हटा देना, एक सवाल होगा जो नीचे बटे में दिया जाए हर में डेनोमिनेटर में वो लिखा करो, लिख लिया। मतलब सरल शब्दों में समझे तो सवाल यह है कि अगर 3 मिनट में इतना गुना तो 256 गुना कितने मिनट में, बस इतना सा सवाल। अब ध्यान से सुनना, देखना कैसे, इस 256 को भी कुछ ऐसा करो, आप मुझे पहले तो ये बताओ 4 को अगर 4 की पावर यहीं लिखते कोई दिक्कत तो नहीं? अब 256 को भी कुछ ऐसा करो कि ये 4 की पावर में बदल जाए, और बदलते हैं 4 की पावर कितनी? 4, 4 की पावर 4 का मतलब 256 ही होता है, क्या ये बात मानते हैं? अब शर्त ये आपको बता दें, ये जो सवाल है ना ये वैसे ही होता है जैसे कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज का पढ़ा है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट,
कि हर 3 वर्षों में धन इतना गुना हो जाता है, तो बताओ कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है, तो वहां पर भी यही होता था, वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों जगह पे आधार समान होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए। चेक करो, ऊपर भी आधार में 4 लिखा है, नीचे भी आधार में कितना लिखा, 4। दोनों जगह पे आधार समान है। जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर दो, ऊपर घात कितनी, 1। अच्छा, 1 के लिए कितने मिनट लग रहे थे, 3। तो 1 गुना होने में 3 मिनट लग रहे थे, तो 4 गुना होने में 4 × 3 = 12 लगना चाहिए। सही बात है, अब ध्यान से देखना, अभी देखना बेटा, लगना चाहिए। पूरी डोगरी कितने समय भरती है, 42। तो अगर 42 मिनट पूरी भरती है, तो इतनी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा। तो टोकरी ऊपर से नीचे थोड़ी ना भर रही होगी, नीचे से ऊपर भर रही होगी। पहले थोड़े फूल आए, फिर थोड़े और फूल आए, फिर थोड़े फूल आए। तो ऊपर पूरी 42 थी, उसमें से 12 मिनट घटा दो, 12 मिनट घटा दो, कितने मिनट आ गए, 30 मिनट। तो टोकरी 1/256 भाग भरने में कितना समय लगेगा बेटा, कितना, 30 मिनट। आपको पता है ये चीजें बहुत खराब चीज होती है कि आंसर गलत आ रहा, सर 12 घटाना बोल गए, सर उसमें हम 7 जोड़ना बोल गए, हाँ ये फंडा ही आता रहेगा। अरे आधी अधूरी अभिमन्यु लिखा, अभिमन्यु क्यों शहीद हुआ था पता है आपको, उसको चक्र भी पूरा भेदना आता था, लेकिन बस लास्ट बेचारा 7वां दरवाजा उसको नहीं सुन पाया था, कैसे करते है ना। तो कुल मिला के अभिमन्यु को हारा हुआ ही माना जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, एक गुरु के नाते मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इस चीज में स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं माना कि हाँ मेरी गलती है, मुझे नहीं आया, तो फिर आप क्या है, कभी सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। फिर आपके मन में भाव रहेगा, मुझे आ गया, मेरा आंसर सही था, बस जरा सा ही तो गलत था। मेरी बात समझ रहे, ये नहीं मानना है कि जरा सा ही गलत था। अब इसके बदले में ये मानो कि मेरा आंसर गलत था और अब मुझे सीखना है। ये सीरियसली बता रही, बहुत अच्छी बात बता रहे, काम आने वाली। बेटा अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, कितने सिपाही यात्रा कर रहे थे, 1500। अच्छा बताओ, हर कितने जवान के ऊपर एक कैप्टन रखा गया था, 5 जवान। तो हर 5 जवानों के ऊपर एक कैप्टन, ऐसे ही तो था बेटा, एक कैप्टन। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं एक जो ग्रुप बन रहा था वो 6 लोगों का बन रहा था। एक ग्रुप कितने का बन रहा था, 6 लोगों का। तो आप इसमें 6 से भाग दे दो, कितना आएगा बेटा, 250 आ रहा है, ठीक। भाई 6 का भाग दिया कितना आया, 250 का, 250 ग्रुप बनेंगे। हर ग्रुप में एक कैप्टन, हर ग्रुप में एक कैप्टन। तो बेटा 250 ग्रुपों में 250 कैप्टन, यही आंसर। अब इसमें आप में से जितने भी 300 आंसर लगाया या 300 निकाला है वो गलत था। 300 निकाला है किसी ने, एक बात आपको बताते हैं, मैंने क्या बोला था, ट्रेन में 1500 पढ़ी करेगा तो 1500 जवान। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें, सेना में एक सिपाही को भी जवान कहते हैं और अधिकारी को भी जवान कहते हैं, सबको सोल्जर कहते हैं, सेना की खूबी है। जैसे एयरफोर्स में एक रैंक होती है एयरमैन, जब कोई भर्ती होता है तो एयरमैन के रूप में भर्ती होता है, और जो एयर चीफ मार्शल है उनको भी एयरमैन ही कहते हैं। ऐसे ही सेना में सभी को सोल्जर कहते हैं। तो यहाँ पर जो 1500 जवान यात्रा कर रहे हैं, उन 1500 जवानों में बेटा सिपाही भी मौजूद है और कैप्टन भी मौजूद, दोनों नीम है। मेरी बात समझ, दोनों नीम है। तो फाइनली आंसर कितना है, 250। अगला क्या था, हो गए। चलो तो आज की स्थिति देखते हुए हमको ये लग रहा है कि कल की क्लास कर पाना संभव है ना, छुट्टियां बोली गई कहीं, बोली गई, आज बोली जाएंगी।